महायुद्ध के मोर्चे से यूक्रेन पर बहुत बड़े हमले का दावा सामने आया। बताया ये जा रहा है कि रूस ने यूक्रेन पर 60 क्रूज मिसाइल दागी है और दावा किया गया है कि रूस ने यह हमला काला सागर से किया है। और बताया ये जा रहा है कि इन हमलों की वजह से यूक्रेन के 3 शहरों में जोरदार धमाका भी हुआ और इस हमले के बाद यूक्रेन के ज्यादातर शहरों में हवाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। इससे कुछ वक्त पहले इसी तरह का बड़ा हमला हुआ था राजधानी कीव पर। एक दिन में कीव पर 90 मिसाइलों से अटैक की बात भी सामने आई। और रूस के एयरबेस पर हुए हमले के बाद पुतिन गुस्से में हैं और यूक्रेन के शहरों को चुन चुन कर टारगेट लगातार किया जा रहा है। दावा किया गया कि कीव और खेरसोन में रूस ने बड़ा हमला किया और इस हमले के बाद दोनों शहरों में बिजली संकट पैदा हो गया। शहर का बड़ा हिस्सा अंधेरे की चपेट में आ गया। साथ ही जानकारी है कि खेरसोन में हुए हमले में 2 लोगों की मौत हो गई। पुतिन काफी गुस्से में है। पुतिन ने खाई नई कसम। कीव को कब्रगाह बना देंगे। दिसंबर में यूक्रेन के कई शहर दोबारा जलने लगे। सर्दी की ठिठुरन में बारूद की तपिश महसूस होने लगी। चारों तरफ धमाके की आवाज नए साल के जश्न को डर और मातम में बदलना शुरू कर दिया। वजह है पुतिन की सेना ने यूक्रेन के शहरों को फिर से टारगेट कर दिया। राजधानी कीव हो या खेरसोन, खार्कीव हो या डोनेट्स्क, रूस की मिसाइलें इन शहरों पर आग उगलने लगी। दावा किया गया कि यूक्रेन के हमले के बाद कीव और खेरसोन के कई इलाके अंधेरे में डूब गए। इन शहरों में बिजली का संकट पैदा हो गया। एक वक्त लग रहा था कि पुतिन की सेना जंग में पिछड़ रही है। उनके हथियारों के गोदाम खाली हो रहे हैं क्योंकि कई मौकों पर यूक्रेन की सेना ने पुतिन की सेना पर जोरदार पलटवार किया, लेकिन इसके जवाब में रूस खाली हाथ दिखा। लेकिन जिस तरह से अब दोबारा यूक्रेन के शहरों पर मिसाइलों की बरसात हो रही है, ऐसा लग रहा है पुतिन काफी गुस्से में और उन्होंने कीव को बर्बाद करने की कसम खा ली। इसके पीछे बड़ी वजह भी है। रूस के 3 ठिकानों को निशाना बनाया। ये वो ठिकाने थे जो रूस की फौज का हिस्सा था। 5 दिसंबर को रूस के 2 ठिकानों पर बड़ा हमला किया गया। पहला हमला रूस के रिजायन इलाके में एयरबेस पर हुआ। दूसरा हमला सरातफ इलाके में बने एयरबेस पर ड्रोन अटैक हुआ। इसके बाद 7 दिसंबर को रूस के कुर्स एयरफील्ड पर ड्रोन अटैक हुआ। इन हमलों ने पुतिन को गुस्से में ला दिया, जिसके बाद पुतिन की सेना ने यूक्रेन के बड़े शहरों को टारगेट करना शुरू किया। रूस ने राजधानी कीव पर भी ड्रोन अटैक किया। बताया गया कि कीव पर हुए हमले में यहां की इमारतों को भारी नुकसान हुआ। कई हिस्सों में बिजली गुल हो गई। दावा है कि रूस ने यूक्रेन के खार्कीव, ज़ापोरिज़्या और डोनेट्स्क को भी निशाना बनाया। बताया गया कि रूस ने इन शहरों पर मिसाइल से हमला किया। उधर रूस ने साफ कर दिया है कि क्रिसमस पर भी रूस के हमले नहीं रुकने वाले हैं। दावा किया गया कि क्रेमलिन को यूक्रेन की तरफ से किसी सीज फायर की पेशकश नहीं की गई, यानी इस साल का जश्न मातम में बदलने की पूरी तैयारी है और आने वाले वक्त में तबाही की और तस्वीरें सामने आने वाली हैं।